वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक आपको जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसका ट्यूटोरियल कंप्लीट करवा दिया है, उसका मॉक टेस्ट भी हो गया था विद देयर न्यूमेरिकल सेशन। तो अभी हमारे कुछ टॉपिक जो बचते हैं उनमें से थर्मोडायनेमिक्स है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इट इज़ द यूनिट नंबर 6 फ्रॉम द 10+1 NCERT। सो यहाँ आप देख सकते हो इसका जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है, इट इज़ द ओनली फिजिकल थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स कंटेंट कंसर्निंग विच आई एम कन्विंस्ड दैट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द बेसिक कंसेप्ट इट विल नेवर बी ओवरथ्रोन। सो जो नेचर में जो फिजिकल चीज़ें हैं उसके ऊपर ही उसकी थ्योरी है, उसको वो काफ़ी सिग्निफिकेंस कहता है। सो मेन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें केमिकल जो एनर्जी है स्टोर्ड बाय मॉलिक्यूल कैन बी रिलीज एज हीट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन व्हेन अ फ्यूल लाइक मिथेन, कुकिंग गैस और कोल बर्न इन एयर। द केमिकल एनर्जी मे बी यूज टू डू मैकेनिकल वर्क when the fuel work in the engine or to provide electrical energy through the galvanic cell like dry cell। so in do lineon mein jo energy ki inter conversion batayi hui hai, one form of energy is converting into another form we know well। so gas jalate hain fuel se, khana pakate hain ya engine chalate hain ya electrical work hota hai। so the various form of energy jo hain they are inter related एंड अंडर सर्टन कंडीशन दीज मे बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो स्टडी ऑफ दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। सो एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वन फॉर्म टू अनदर जा रही है, वो केमिस्ट्री की ब्रांच है, इसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, वो स्टडी करती है। द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है डील करते हैं विद एनर्जी चेंज ऑफ द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन्वॉल्विंग ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रैदर देन द माइक्रोस्कोपिक। इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जाते, मॉलिक्यूल एटम पे नहीं जाते, बल्क की प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं। सो थर्मोडायनेमिक इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हो एंड एट व्हाट रेट दीज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आर कैरीड आउट, व्हाट इट इज़ बेस्ड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसमें रेट नहीं पता चलता, रेट का ऑलरेडी मैंने बता दिया काइनेटिक्स में, इसमें इनिशियल एंड फाइनल स्टेज आती है। सो जो लॉ है थर्मोडायनेमिक्स के अप्लाई होते हैं ओनली व्हेन ए सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम और मूव फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। जहाँ तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए जहाँ एक स्टेट में दूसरी स्टेट में जाए। सो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे इसमें आपका प्रेशर आ जाता है, टेम्परेचर आता है, डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। इन दिस यूनिट वी विल लाइक टू आंसर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थ्रू द थर्मोडायनेमिक्स, लाइक ये हम जहाँ स्टडी करेंगे, हो डू वी डिटर्मिन द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, वट इट विल अकर और नॉट, वट ड्राइव ए केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, टू वट एक्सटेंड डू द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। तो ये जो क्वेश्चन हैं इनको हम यहाँ डील करेंगे, स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ स्टडी करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी इसके जो थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स हम देखते हैं पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट होता है जिसको हम स्टडी नहीं करते उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग में हर एक चीज़ आती है सिस्टम को छोड़ के। सिस्टम एंड सराउंडिंग अगर दोनों को मिला दें तो यूनिवर्स बन जाता है, सिंपल यूनिवर्स इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। हो एवर द इंटायर यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज टेक प्लेस इन वन सिस्टम। सो इतना नहीं होता भी इतना अफेक्ट हो जाए, बट हम इसको मान लेते हैं। सो और ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस इज द सराउंडिंग डैट द पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग यूनिवर्स विल बी इंट्रैक्ट विद सिस्टम। यूजली द रीजन ऑफ द स्पेस इन द नेबरहुड ऑफ सिस्टम कंस्टिट्यूट द सराउंडिंग। यानी जो किसी चीज़ को स्टडी करे जो उसके ऑल अराउंड आता है उसको सराउंडिंग कहते हैं। यानी यूनिवर्स का मीनिंग इतना बड़ा यूनिवर्स नहीं है, क्योंकि जो चेंजेज होती हैं दे आर एट स्मॉल स्केल, तो यूनिवर्स को अफेक्ट नहीं करती। अगर हम देखें स्टडी कर रहे हैं रिएक्शन
टेकिंग प्लेस बिटवीन टू सब्सटांस ए एंड बी, उनको बीकर में रखा है और बीकर में रिएक्शन का मिक्सचर है, डैट इज सिस्टम एंड रूम वेयर द बीकर इज कैप्ट, तो रूम जो है सराउंडिंग है, तो यहाँ आप देख सकते हो। तो नोट डैट द सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ फिजिकल बाउंड्री लाइक द बीकर और द टेस्ट ट्यूब, और द सिस्टम में सिंपली बी डिफाइंड बाई द सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो प्लस माइनस जो यूज़ करते हैं, स्पेसिफाइंग ए पर्टिकुलर वॉल्यूम इन स्पेस। सो इट इज़ नेसेसरी टू थिंक ऑफ द सिस्टम एज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाई सम सॉर्ट ऑफ बॉल, विच में बी रियल और इमेजिनरी। तो हम कहते हैं भी बॉल एक मान लेते हैं रियल या इमेजिनरी, जो कि सराउंडिंग से सिस्टम को अलग कर देती है। द बॉल डैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, इसको हम कहते हैं बाउंड्री, ये याद कर लेना है। तो दिस इज़ डिज़ाइन टू अलो द कंट्रोल एंड कीप द ट्रैक ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट द सिस्टम। इसी बाउंड्री से सिस्टम के अंदर या बाहर चीज़ें जाती हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आगे हम देखते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर चला जाता है सराउंडिंग एंड सिस्टम में। तो प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन एंड ओपन बीकर इज एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। सो बाउंड्री जो है इसमें इमेजिनरी सरफेस है इनक्लोजिंग बीकर एंड रिएक्टेंट। क्लोज में क्या होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता बट एनर्जी चेंज हो जाती है सम पॉसिबल एक्सटेंट। प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन ए वेसल, क्लोज वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल। अगर हमने वेसल में रिएक्टेंट रखा, उसका मटीरियल कंडक्टिव है यानी इससे हीट चेंज हो रही है, तो हम उसको क्लोज कहेंगे। तो ये हमें दिखाया हुआ है, ये सारा सराउंडिंग है जिसमें जो रिएक्टेंट बीकर में रखा है जिसका सिस्टम है। जो ओपन सिस्टम है बीकर को ऊपर से खोला गया है, इसमें मैटर एंड एनर्जी दोनों जा रहे हैं। क्लोज सिस्टम है बीकर को बंद रखा है, मैटर नहीं जा रहा बट एनर्जी हीट एंड कोल्ड जा रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे एक सिस्टम आता है आइसोलेटेड, ये हम देखेंगे। पहले आपको इतना आई होप क्लियर हो गया है ये सारा। आगे हम देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जो स्टूडेंट आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें चेंज ऑफ एनर्जी ना तो मैटर चेंज हो जाता है, एंड द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन द थर्मस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज सिस्टम, इसमें हम क्या कहते हैं आइसोलेटेड। जैसे फ्लास्क में हम दूध रखते हैं, चाय रखते हैं, वो गर्म रहती है तो आइसोलेटेड है। उसमें जो बाउंड्री है डैट इज़ आइसोलेटेड, उसमें एनर्जी चेंज नहीं होती। स्टेट ऑफ द सिस्टम, दिस इज अनदर सिस्टम। द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब इन ऑर्डर टू मेक एनी यूजफुल कैलकुलेशन बाई स्पेसिफाइंग द क्वान्टिटेटिवली ईच ऑफ द प्रॉपर्टी सच एज द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। सो वी नीड टू डिस्क्राइब द सिस्टम बाई स्पेसिफाइंग इट बिफोर एंड आफ्टर चेंज। तो स्टेट जो सिस्टम की है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी स्टडी करना काफ़ी यहाँ ज़रूरी हो जाता है। तो इनिशियल एंड फाइनल सिस्टम हम देखते हैं। सो फिजिक्स जो कोर्स है डैट स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन मैकेनिक्स इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम बाय द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द मास पॉइंट ऑफ द सिस्टम। अगर हम थर्मोडाइनमिक्स देखें ये डिफरेंट है एंड मच मोर सिंपलर कंसेप्ट है स्टेट ऑफ सिस्टम का। इट डज नॉट नीड डिटेल नॉलेज ऑफ द मोशन ऑफ ईच पार्टिकल बिकॉज इट डील विद द एवरेज मिजरेबल प्रॉपर्टी। सो इसमें पार्टिकल लेवल पे हम नहीं देखते, मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं देखते जो कि फिजिक्स में ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा ज़्यादा नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि सभी के ऊपर लागू हो जाती है पूरे सिस्टम के। सो इनको हम कहते हैं भी स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ सिस्टम बाय स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट ऑफ जो थर्मोडाइनमिक्स है, सो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, स्टेट ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम बाय इट्स मिजरेबल माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टी है। वी कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द गैस बाय इक्वेटिंग बाय प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट एन। वेरिएबल लाइक PBT इसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन, बिकॉज देयर वैल्यू जो डिपेंड करती है स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट हो इट इज़ रीच्ड। सो इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम इट इज़ नॉट नेसेसरली टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एज ओनली द सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी वेरीड इंडिपेंडेंटली। सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम। वंस दीज मिनिमम नंबर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आर फिक्स, अदर ऑटोमेटिकली हैव द डेफिनेट वैल्यू। द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग कैन नेवर बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड
फॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू। सराउंडिंग की स्टेट हमने नहीं देखनी होती, सिस्टम की देखनी है। तो फंक्शन जो होते हैं, जो काम करते हैं सिस्टम की प्रॉपर्टी के ऊपर, और वेरिएबल हैं जिससे हम किसी स्टेट को डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं। आगे इंटरनल एनर्जी एज द स्टेट फंक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर केमिकल सिस्टम और लूजिंग गेनिंग एनर्जी, वी नीड टू इंट्रोड्यूस द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इट मे बी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अदर टाइप ऑफ एनर्जी। अगर हमने टोटल एनर्जी देखनी है, उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। तो उसको यू के साथ हम शो करते हैं। एंड विच मे चेंज, चेंज कैसे हो सकती है? हीट पास हो इन टू और आउट द सिस्टम, वर्क डन किया जाए ऑन या बाय द सिस्टम, मैटर इंटर करे या लीव करे सिस्टम में। सो दीज सिस्टम जो हैं आर क्लासीफाई अकॉर्डिंगली वी हैव ऑलरेडी स्टडी। तो आपको पता ही है, वर्क की बात करें तो यहाँ पे वर्क क्या है? चेंज इन द एनर्जी बाय डूइंग वर्क। सो वी टेक द सिस्टम कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ थर्मस फ्लास्क और इन द इंसुलेटेड बीकर। दिस वुड नॉट अलो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू द बाउंड्री, एंड वी कॉल दिस सिस्टम इज एडियाबैटिक। अगर इसमें कोई एनर्जी नहीं हो रही चेंज, ना तो मैटर चेंज हो रहा है, वो एडियाबैटिक है। द मैनर इन विच द स्टेट ऑफ सच सिस्टम में भी चेंज इस का एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें अगर चेंज करना तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? उसमें कोई ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड द बाल जो सेपरेट करती है उसको हम एडियाबैटिक बाल का नाम दे देते हैं। यहाँ आप देख सकते हो एडियाबैटिक सिस्टम है, इंसुलेटेड है। सो यहाँ हमने इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आनी है इसमें। सो हम क्या करेंगे, लेट अस कॉल द इनिशियल स्टेट जो सिस्टम की है उसमें ए कहेंगे, टेम्परेचर टी ए होगा, इस बीकर की बात कर रहे हैं, एंड इंटरनल एनर्जी जो इसकी है यू ए होगी। अब हम वन वे इसका क्या है करने का, वी डू सम मैकेनिकल वर्क बाय से 1 kJ बाय रोटेटिंग सेट ऑफ स्मॉल पैडल एंड देयर फाई चर्निंग वाटर को घुमाना है। लेट अस द न्यू स्टेट वी कॉल्ड बी। फिर इसमें कुछ काम किया इस बीकर में जो एडियाबैटिक सिस्टम है, कुछ वर्क किया जो मैंने बताया, रोटेट किया, चर्निंग किया पानी को, तो फिर स्टेट आ गई बी फाइनल। तो इसमें टेम्परेचर टी वी आ गया, टी वी जो टेम्परेचर है इनिशियल टी ए से ज़्यादा होगा, एंड डेल्टा टी होगा टी वी माइनस टी ए, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होगा यू वी माइनस यू ए। इसका दूसरा तरीका है, हम इक्वल अमाउंट ऑफ 1 kilo इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इमर्शन रॉड डाल देंगे इसमें, एंड टेम्परेचर चेंज देखेंगे इसमें भी देख लेंगे। सो द एक्सपेरिमेंट इन द अबव मैनर वी डू बाय जेपी जूल ने किए थे 1840-50 में, और एबल टू शो डैट गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम नो मैटर हो इट वॉज डन इरिस्पेक्टिव, पाथ नहीं देखना कैसे काम किया गया, तो प्रोड्यूस द सेम चेंज ऑफ द स्टेट और मेजर्ड बाय चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सो इट सीम्स एप्रोप्रिएट टू डिफाइन ए क्वांटिटी दैट इज़ द इंटरनल एनर्जी हुज वैल्यू जो है इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये करेक्टरिस्टिक है किसी सिस्टम की स्टेट के। देयर बाय एडियाबैटिक वर्क जब WAD रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ द स्टेट दैट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर वर्क किया है तो फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल से मैनेज करेंगे। सो इंटरनल एनर्जी जो है यू है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। सो पॉजिटिव साइन हमें देख क्या कहता है, व्हेन द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर काम करेंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा जब सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा एनर्जी का। सो कैन यू नेम सम अदर फेमिलियर स्टेट फंक्शन, सम ऑफ देम फेमिलियर है, जैसे वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। इफ यू ब्रिंग द चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 25 to 35, चेंज इन टेम्परेचर 35 - 25 हो जाएगा, तो ऐसे हम देखते हैं। तो ये भी एक स्टेट फंक्शंस है। सो द टेम्परेचर जो है स्टेट फंक्शन है, एंड द चेंज इन द टेम्परेचर जो है इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द रूट टेकन, किस वजह से हुआ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमने सिर्फ क्या देखना होता है, इनिशियल एंड फाइनल। सो बिकॉज द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट बाय विच वॉल्यूम चेंज, तो ये भी आप मान सकते हो। आगे आता है हीट। सो वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, हीट से भी कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, काम किए बिना।
तो दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज़ अ रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस डैट इज़ कॉल्ड हीट। हीट को हम क्यू से शो करते हैं। लेट अस कंसिडर ब्रिंगिंग अबाउट द सेम चेंज इन द टेम्परेचर। में चेंज ले आना इनिशियल फाइनल से बाय ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द थर्मोडाइनमिकली कंडक्टिंग वॉल। तो इसमें हमने टेम्परेचर हीट के थ्रू चेंज करना है। वी टेक वाटर एट टेम्परेचर टी ए इन द कंटेनर हैविंग द थर्मली कंडक्टिंग वॉल है। बी से मेड अप ऑफ कॉपर एंड इन क्लोजिंग इट इन द ह्यूज हीट रिजर्व वायर जिसका टेम्परेचर टी वी है, ठीक है ना। सो द हीट अब्जॉर्व बाय द वॉल जो है सिस्टम है वाटर है वो अब्जॉर्व कर लेगा हीट में तो टेम्परेचर चेंज होगा। तो जो इंटरनल एनर्जी अब चेंज होगी वो हीट की फॉर्म में होगी। टी बी टी ए तो हमने हीट दिया उतनी आएगी ना इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। तो ये भी हम आंसर हैं। और क्यू हमारे पास पॉजिटिव है जब हम हीट जो है ट्रांसफ़र हुई है सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर हीट लगी है। नेगेटिव है अगर हीट जो है सिस्टम छोड़ेगा। आगे आ जर्नल केस। अगर हम कंसिडर कर रहे हैं जर्नल केस इन विच ए चेंज इन द स्टेट इज ब्रॉड अबाउट बाय। अगर हम ऐसी चेंज को स्टडी कर रहे हैं जिसमें वर्क के थ्रू भी या हीट के थ्रू भी हो तो हम क्या लिखेंगे इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डबल यू। फॉर ए गिवन चेंज इन द स्टेट क्यू एंड डबल यू कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन हो द चेंज इज कैरीड आउट एंड हो एवर जो क्यू प्लस डबल यू डेल्टा यू है विल डिपेंड ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। सो ये आपको पता है। एंड वी कैन से डैट इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे ऑफ द चेंज। सिर्फ इनिशियल फाइनल ही देखना है। सो इक्वेशन जो जहाँ पे ये दी हुई है इट इज़ द मैथेमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सो एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट। ये हमें स्टेटमेंट देता है या हम इसको कह सकते हैं एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। सो इंटरनल एनर्जी हम चेंज कर सकते हैं वर्क डन से या हीट से भी। सो इट इज़ कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट इज एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो देर इज़ ए कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द करैक्टर ऑफ द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी एनर्जी एंड डैट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैस वॉल्यूम। वी कैन स्पेसिफाई एंड अनअबगूसियस जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इन ए पर्टिकुलर स्टेट बट नोट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। सो हो एवर वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी हम सिर्फ एनर्जी की चेंज देख सकते हैं किसी जगह पे कितनी वैल्यू है वो हम नहीं देख सकते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है। मैनी केमिकल रिएक्शन जो हैं उसमें जनरेशन ऑफ गैसेस कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क और द जनरेशन ऑफ हीट से चलती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू क्वान्टिफाई दीज चेंजेस एंड रिलेट देम टू द क्वान्टिटी ऑफ चेंज एंड रिलेटिव टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो हमें ऐसे इसको मानना चाहिए। वर्क क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट करते हैं नेचर ऑफ वर्क जो है सिस्टम कर सकता है कि सिस्टम काम कर रहा है। वी विल कंसीडर ओनली द मैकेनिकल वर्क डेट इज द प्रेशर वॉल्यूम। तो इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमने क्या किया है प्रेशर वॉल्यूम वर्क को एक सिलेंडर माना है जिसमें 1 मोल ऑफ आइडल गैस है फ्रिक्शन लेस यहाँ पिस्टन है। टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस का जो है वी है इनिशियल तो प्रेशर ऑफ गैस वो पी है। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा पी एक्स डालेंगे बाहर से ई एक्स एक्सटर्नल डालेंगे पिस्टन जो मूव करेगा। सो लेट अस कंसीडर करें चेंज हो रही है यहाँ पिस्टन जा रहा है वी वन वी टू वॉल्यूम चेंज हो रहा है डेल्टा बी। तो ये हम सारा स्टडी करेंगे यहाँ पे। सो इसको हम देखेंगे अचीव्ड बाय सिंगल स्टेप डेट इज़ द फाइनल वॉल्यूम। देखें अगर कंप्रेस हो रहा है पिस्टन प्रेस हो रहा है जो उसका जो सिलेंडर है उसका एरिया कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम चेंज लेंथ इनटू ए कितनी दूर तक गया क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का आगे का क्या है डेट इज़ डेल्टा बी डेट इज़ फाइनल एंड इनिशियल। हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स बटा एरिया। सो फोर्स जो पिस्टन पे लगा है डेट इज़ प्रेशर एंड एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा। अगर वर्क डन जो है सिस्टम पे हुआ है तो मूवमेंट ऑफ पिस्टन होगी डबल यू होगा पी इंटू ए इंटू एल डिस्टेंस तो डेट इज़ माइनस बी क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ऐसे आएगा। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है डेट इज़ ऑब्टेन द कन्वेंशनल साइन फॉर द वर्क बी विल बी पॉजिटिव। सो इंडिकेट डैट इन केस ऑफ कंप्रेशन जो है वर्क है सिस्टम के ऊपर किया हुआ है तो इट विल बी नेगेटिव।
एंड अगर एक्सपेंड होगा तो सिस्टम काम करेगा तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। आपको पता है इफ द प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन बट द चेंज इन द नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप वर्क डन ऑन द गैस विल बी समराइज कर देंगे इसको समेशन की फॉर्म में अलग अलग पॉइंट पे। सो पी वी प्लॉट किया गया है, बिन प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड द चेंज इन द फाइनाइट स्टेप ड्यूरिंग द कंप्रेशन फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल, अलग अलग स्टेप पे कितनी कंप्रेशन है ये प्लॉट किया गया। बिन प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड चेंज इन द फाइनाइट स्टेप रिवर्सिबल कंडीशन ड्यूरिंग द कंप्रेशन फ्रॉम इनिशियल चेंजेस एंड वर्क डन ऑन द गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया। तो ये वर्क डन ऐसे हम देख सकते हैं। तो हमें क्या शो कर रहा है, इफ़ द प्रेशर इज नॉट कॉन्स्टेंट बट द चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस जो हैं सच एज इट ऑलवेज इनफाटेसिमली ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस सो द ईच स्टेज ऑफ द कंप्रेशन द वॉल्यूम जो है यहाँ डिक्रीज होता है थोड़ी अमाउंट में। सो इन सच ए केस डैट वी कैन कैलकुलेट द वर्क डब्ल्यू माइनस इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में पी ई एक्स एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ई एक्स जो है प्रेशर जो है इक्वल टू आएगा पी इनिशियल प्लस डेल्टा पी सो कंप्रेशन में। सो इन एंड एक्सपेंशन में देखेंगे तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है इट इज ऑलवेज बी लेस देन द प्रेशर ऑफ सिस्टम, अगर उसमें एक्सपेंड करना है तो उसका प्रेशर हमेशा कम होगा क्योंकि गैस अंदर से एक्सपेंड हो रही है तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस और द चेंज इज सेट टू बी रिवर्सिबल कहते हैं हम, इफ द चेंज इज ब्रॉट अबाउट इन सच ए वे डैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिवर्स बाई इन्फाटेसिमल चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इन्फाटेसिमल स्लोली बाई सीरीज ऑफ लिक्विम स्टेट सच डैट द स्टेट सिस्टम एंड द सराउंडिंग जो है आर ऑलवेज इन नियर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी वो कुछ उतने टाइम पे वो आगे भी जाती है पीछे भी जाती है उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। सो जो प्रोसेसेस हैं अदर देन द रिवर्सिबल प्रोसेसेस उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। केमिस्ट्री में वी कैन फेस प्रॉब्लम डैट वी कैन सॉल्व इफ वी रिलेट द वर्क इन टर्म टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, सो वी कैन रिलेट द वर्क टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम अंडर द रिवर्सिबल कंडीशन, तो हम प्रेशर में लेते हैं। सो जो वर्क है डैट इज़ द रिवर्सिबल माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी डी वी ऐसे। सो डी पी इंटू डी वी जो है वेरी स्मॉल है वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। सो नो द प्रेशर जो है गैस का पी इंटरनल है वी कैन राइट इन पी, सो वी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द वॉल्यूम गैस में पी वी एन आर टी लगा के प्रेशर क्या जाएगा एन आर टी अपॉन बी, तो इसमें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे हम वर्क निकाल सकते हैं माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इनिशियल, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है वर्क एनर्जी एक्सपेंशन का। आगे है फ्री एक्सपेंशन, सो एक्सपेंशन ऑफ गैस इन द वैक्यूम जब बाहर से कोई प्रेशर नहीं जा रहा है इसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, जहाँ कोई बाहर से गैस नहीं है अगर हम वैक्यूम में कर रहे हैं स्पेस में कर रहे हैं। सो वर्क इज डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और रिवर्सिबल हम यहाँ देख सकते हैं पीछे दिखाया हुआ इक्वेशन है। तो नो वी कैन राइट द इक्वेशन 6.1 जो हमने पीछे इक्वेशन की थी 6.1 दिस इज द इक्वेशन दैट इज द 6.1 इसको हमने अभी रीराइट करना है। तो कैसे रीराइट करेंगे, दिस इज द 6.1 इक्वेशन देख लीजिए इसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं इन नंबर ऑफ वे। सो लेट अस डिपेंड ऑन द सब्स्टिट्यूट डब्ल्यू को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ये चेंज आ जाएगा। इफ़ द प्रोसेस इज कैरीड आउट एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फिर डेल्टा यू जो है इक्विवेलेंट टू द क्यू बी आएगा, तो बी जो है ये क्या डोनेट करती है द हीट इज सप्लाइड एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो ये भी हम देख सकते हैं यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में हम कौन सा वेरिएबल अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हम इक्वेशन चेंज कर सकते हैं। एंड आइसोथर्मल एंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस, फॉर आइसोथर्मल टी कॉन्स्टेंट है गैस आइडल एक्सपेंशन होगी वॉल्यूम में डब्ल्यू जीरो होगा एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा जोल्ड टर्मल एक्सपेरिमेंटली डैट एनर्जी जीरो है डेल्टा यू जीरो है,
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है तो डैट इज़ क्यू इक्वल टू माइनस वी, डैट इज़ पी एक्सपेंशन फाइनल एंड इनिशियल, अगर रिवर्सिबल है तो उसमें डबल जू माइनस एन आर टी लॉग फाइनल एंड इनिशियल आ जाएगा, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगर एडियाबैटिक है तो डेल्टा यू इक्वल टू डबल जू एडियाबैटिक, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया है वर्क डन, इंटरनल एनर्जी चेंज एंड हीट। नेक्स्ट वी हैव द इंथैल्पी, दिस इज अनदर वर्क फंक्शन। सो जो नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है डैट इज़ द इंथैल्पी जिसको हम एच कहते हैं, ये यूजफुल है, न्यू स्टेट फंक्शन है। सो वी नो डैट द हीट अब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, हम मानते हैं। बट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन है जो कि होती हैं और नॉट एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, बट इट टेक इन फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब अंडर द कॉन्स्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो वी नीड टू डिफाइन अनदर वे फंक्शन, अगर हम प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हैं। सो वी कैन राइट द 6.1 इक्वेशन, तो हम इसको लिखेंगे क्यू पी डेल्टा माइनस पी डेल्टा बी कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो क्यू जो है डैट इज द हीट अब्जॉर्ब बाई सिस्टम एंड पी डेल्टा बी इज द वर्क एक्सपेंशन बाय द सिस्टम। सो लेट अस रिप्रेजेंट इसको इनिशियल जो स्टेट है बाई सबस्टिक वन एंड द फाइनल बाई टू, इसको ऐसे लगा सकते हैं यू टू यू वन, ऐसे इसको ऐसे लगा सकते हैं। सो नो वी कैन डिफाइन द अनदर थर्मोडाइनमिक फंक्शन डैट इज़ द एच, एच को हम यहाँ लगा सकते हैं यू पी वी। सो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकती है यू पी वी को डेल्टा एच का, ऑल दो क्यू इज़ ए पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, एच इज़ द स्टेट फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड ऑन द यू, पी एंड वी ऑल ऑफ विच आर द स्टेट फंक्शन। सो डेल्टा एच जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, हैंस द क्यू पी इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो ये आप याद करना जरूरी है, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फॉर इनफाइनाइट चेंज एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर वी कैन राइट इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू पी वी, डेल्टा पी वी, सिंस पी कॉन्स्टेंट है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। सो इसको देखना जरूरी है, जहाँ पे डैट इज़ द हीट अब्जॉर्ब बाई सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वी एक्चुअली मेजर द चेंज इन द इंथैल्पी, हम देखते हैं आगे। या रिमेंबर डेल्टा एच जो है क्यू प्रेशर के हिसाब से देखें कॉन्स्टेंट, हीट अब्जॉर्ब बाय सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच जो है नेगेटिव है फॉर एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहाँ पे हीट जो है अब इवॉल्व हो रही है। डेल्टा एच पॉजिटिव होगी एंडोथर्मिक, क्योंकि हमें हीट देनी पड़ रही है सिस्टम को। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा भी जीरो है, सो डेल्टा यू जो है यहाँ पे, सो जो डेल्टा एच आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू बी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू इट इज़ नॉट यूजली सिग्निफिकेंट फॉर सिस्टम कंसिस्टिंग ओनली सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट सफर एनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज, ये आपको पता ही है। सो डिफरेंस हो एवर बिकॉज सिग्निफिकेंट विन गैस, गैसी स्टेज में ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो हमें पता है पी वी ए एन आर टी पी वी ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल इनिशियल ऐसे आ सकता है, और डेल्टा पी वी को हम डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं। एन जी को हम कहते हैं नंबर ऑफ द मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ द मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम पुट करेंगे वैल्यू डेल्टा पी डेल्टा बी में, तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू एन जी आर टी। तो हम इसको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6.9 की जो इक्वेशन है डैट कैन बी रीराइट इन दिस फॉर्म। सो दिस इज़ अबाउट द इंथैल्पी। आगे आता है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडाइनमिक्स में जो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो कि है हुज वैल्यू जो है डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हीट, ये सारी एक्सटेंसिव है, जो कि क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, नेचर पे डिपेंड करती, उसको इंटेंसिव कहते हैं। जैसे टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर आर इंटेंसिव। ए मोलर प्रॉपर्टी जो है वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी काई जो है ऑफ द सिस्टम फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस एन इज द अमाउंट ऑफ मैटर, काई अपॉन एन इज इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। सो इन अदर एग्जाम्पल जो मोलर वॉल्यूम है वी एम, मोलर हीट कैपेसिटी है सी एम,
लेट अस अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी बाई कंसिडरिंग ए गैस इन क्लोज इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम बी एंड टेम्परेचर टी। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्टीशन बनाई है सच डैट जो वॉल्यूम है हाफ किया गया, ईच पार्ट जो यहाँ पे सिलेंडर का शो हुआ है, सो नो वी हैव वन हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम बी बाई टू बट द टेम्परेचर विल स्टिल रिमेन टीम। इट इज़ क्लियर डैट द वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द टेम्परेचर इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो टेम्परेचर टी ही रहेगा, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कौन कर रही है, डैट इज़ योर एक्सटेंसिव, नेचर पे डिपेंड कर रही है, डैट इज़ इंटेंसिव। आगे आती है हीट कैपेसिटी, दिस इज़ द इन दिस सब सेक्शन लेट अस सी हो द मेजर द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम। द हीट अपीयर टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केस ऑफ हीट अब्जॉर्ब। हीट कैसे जा रही है, हम बेसिकली क्या देखते हैं, अगर हमने देखना है हीट जा रही है सिस्टम को तो हम टेम्परेचर राइज देखते हैं। सो इंक्रीज इन द टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू द हीट अप्लाइड, क्या हुई सेल्डा कोफिशिएंट टू डेल्टा टी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द कोफिशिएंट डिपेंड ऑन द साइज कंपोजिशन नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या हुई इक्वल टू सी डेल्टा टी, सी जो है हीट कैपेसिटी है। सो वी कैन मेजर डैट द हीट सप्लाइज बाय मॉनिटरिंग द टेम्परेचर राइज प्रोवाइडर वी नो द हीट कैपेसिटी, सी इज़ द लार्ज गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट इन ओनली द स्मॉल टेम्परेचर राइज। सो वाटर हैज़ अ लार्ज हीट कैपेसिटी डैट इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू राइज द टेम्परेचर, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। द मोलर हीट कैपेसिटी जो है सी एम सी अपॉन एन के ऊपर डिपेंड करती है, डैट इज़ वन मोल ऑफ द सब्सटेंस एंड द क्वान्टिटी ऑफ द हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर बाई वन मोल बाई वन डिग्री सेल्सियस। हीट जो है इसको स्पेसिफिक हीट कहेंगे या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो इट इज़ द क्वान्टिटी ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर वन यूनिट ऑफ द सब्सटेंस बाय वन डिग्री। सो फॉर द फाइंडिंग आउट द हीट क्यू रिक्वायर्ड टू राइज इन द टेम्परेचर टी, तो जो हीट ऑफ सब्सटेंस जो है इसको मोलर हीट कह देते हैं, ठीक है। सो क्यू आ जाता है सी इन टू एम डेल्टा टी, सी डेल्टा टी। आगे आता है रिलेशन जो बिटवीन एस सी पी एंड सी वी, ये अभी करवाने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा याद रख लेना है। हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सी पी इक्वल टू सी बी प्लस आर, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, आर इज़ द गैस कॉन्स्टेंट, ये आपने यहाँ याद कर लेना है। आगे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, सो वी कैन मेजर द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द केमिकल और फिजिकल प्रोसेस बाय एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इसको क्लोरीमीट्री कहते हैं। सो क्लोरीमीट्री में प्रोसेस है जो कि की जाती है बेसल में, जिसको क्लोरीमीटर कहते हैं, क्लोज बेसल है, बिन इज इमर्ज जिस बेन विच इज़ इमर्ज इन ए नॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच द क्लोरीमीटर इज इमर्ज एंड द हीट कैपेसिटी ऑफ द क्लोरीमीटर, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमिन द हीट इवॉल्व इन द प्रोसेस बाय मेजरिंग द टेम्परेचर चेंज। मेजरमेंट आर मेड इन द टू कंडीशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्यू वी, कॉन्स्टेंट प्रेशर क्यू पी। तो डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हम कैसे मेजर करेंगे केमिकल रिएक्शन में, जो हीट अब्जॉर्ब है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इट इज़ मेयर इन द बॉम्ब क्लोरीमीटर। हेयर ए स्टील वेसल जो है जिसको बॉम्ब कहते हैं इमर्स किया गया है वाटर बाथ में, द होल डिवाइस इसको कहते हैं क्लोरीमीटर। जो स्टील वेसल है इट इज़ इमर्स इन वाटर वेसल टू इंश्योर डैट नो हीट इज़ लॉस्ट इन सराउंडिंग। ए कम्बस्टेबल सब्सटेंस इज बर्नड इन द प्योर डाई ऑक्सीजन सप्लाइड इन द स्टील बॉम्ब, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ट्रांसफर टू वाटर एंड द बॉम्ब एंड द टेम्परेचर इज मॉनिटर। सिंस द बॉम्ब क्लोरीमीटर इज सील्ड इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इंटरनल एनर्जी जो चेंज है एसोसिएटेड विद रिएक्शन आज मेजर इन द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अंडर दिस कंडीशन यहाँ पे नो वर्क इज डन। सो ये आपके पास है बॉम्ब क्लोरीमीटर, सील्ड है ये पूरी तरह से, ऑक्सीजन जहाँ इसको बर्न कर रही है, थर्मोमीटर टेम्परेचर हमें बता रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे पूरा सिस्टम है, वाटर बाथ है जिसमें पानी को इकट्ठा रखते हैं, बॉयल होता है पानी। आगे आपके पास आता है कोई यहाँ पे वर्क नहीं हुआ, एज द जो रिएक्शन है इज कैरीड आउट एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इन द बॉम्ब क्लोरीमीटर इवन फॉर द रिएक्शंस जो हैं इन्वॉल्व गैसेस, अगर गैसेस में हो रही है। सो देर इज़ नो वर्क डन डैट इज़ द डेल्टा बी जीरो, द टेम्परेचर ऑफ द क्लोरीमीटर प्रोड्यूस बाई कम्प्लीटेड रिएक्शन दैन कन्वर्टर टू क्यू बी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यूजिंग द नॉन हीट कैपेसिटी, हम इसको कर सकते हैं। डेल्टा एच अगर हमने इंथैल्पी चेंज देखनी है, सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे देखेंगे, सो वी नो डैट डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी,
एंड देयर फॉर द हीट अब्जॉर्ब और रिबोल्ड डेल्टा क्यू पी एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन और द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इफ़ इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इवॉल्व होगी एंड सिस्टम जो लूज करेगा हीट सराउंडिंग को, सो डेल्टा पी विल बी नेगेटिव एंड डेल्टा आर एच आल्सो बी नेगेटिव। सिमिलरली एंडोथर्मिक में ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आपके पास है हीट चेंजेस को देखने के लिए, क्लोरीमीटर फॉर मेजरिंग द हीट चेंजेस एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। वो दूसरा है बॉम क्लोरीमीटर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के लिए, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए। आगे एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच रिएक्टेंट रिएक्शन की रिएक्शन एंथैल्पी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, इसको करवाने के लिए जो हीट है डेट इज़ द रिएक्शन एंथैल्पी। ये हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की निकाल लेते हैं, ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो एच एम जो है डेट इज़ द मोलर एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज इज़ अ वेरी यूजफुल क्वांटिटी अगर इसकी हमें नॉलेज हो, सो विन बी नीड टू प्लान द हीटिंग और कूलिंग रिएक्शन, कैसे हमने रखना है इंडस्ट्रियल स्केल पे हमें पता चल जाता है कौन सी रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे होगी, हमें सेटअप आ जाता है। आगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी है इट इज़ अ एंथैल्पी चेंज विन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर द स्टैंडर्ड स्टेट। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाई जो प्योर है, 1 bar प्रेशर है, 298 केल्विन है, ये आपको पता ही है। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें एनर्जी चेंज हो जाती है, जैसे आइस है रिक्वायर हीट फॉर मेल्टिंग, नॉर्मली दिस मेल्टिंग टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर जो है यहाँ चेंज रहता है, ये आपको पता है। सो डेल्टा जो है एफ यू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, डेट इज़ इफ़ द वाटर फ्रीज देन द प्रोसेस इज रिवर्स, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज़ गिवन ऑफ टू द सराउंडिंग, यानी अगर हमने मेल्ट किया है तो हीट देनी पड़ेगी, अगर हमने फ्रीज करना है तो हीट द्वारा सराउंडिंग को मिलेगी। एंथैल्पी चेंज डैट अकम्पनशेट अकम्पनीज मेल्टिंग ऑफ 1 mole ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद कर लेना है, यानी जो एंथैल्पी चेंज क्या करती है, अकम्पनी करती है मेल्टिंग ऑफ 1 mole ऑफ सब्सटेंस ऑफ सॉलिड से लिक्विड बनाने में, इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सो मेल्टिंग ऑफ द सॉलिड इज एंडोथर्मिक है, सो ऑल द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। वाटर रिक्वायर्ड हीट फॉर वेपोरेशन एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो टी वी एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये आपने फ्यूज़न हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि हमेशा जो है इसके लिए आपको हीट लगानी पड़ती है। आगे आपके पास है अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू वेपोरेट 1 mole ऑफ द लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अंडर द स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हमने लिक्विड के वेपर बनाने हैं, डेल्टा वेपर स्टैंडर्ड पे आ जाएगी। सबलिमेशन इज डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, जब सॉलिड के डायरेक्ट वेपर बन जाते हैं उसको सबलिमेशन का हम ना देते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस है सबलिमाइज कर जाती है 195 केल्विन पे, सो डेल्टा एच इसकी 25.2 किलो जूल पर मोल है। नेफ्थलीन सबलिमाइज करती स्लोली, इसकी 73 है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन जो है स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऊपर आती है 1 bar प्रेशर पे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स पे ऊपर डिपेंड करती है पार्टिकल में। सो द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल होल्ड देम टाइटली इन लिक्विड फेज, सो फॉर एन ऑर्गेनिक लिक्विड सच एज एसीटोन, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है बीकर है, सो रिक्वायर लेस हीट टू वेपोराइज। सो 1 mole ऑफ एसीटोन देन इट डज वेपराइज 1 mole ऑफ वाटर, इसके लिए इसको एनर्जी कम लगती है। सो ये यहाँ इनकी कैलकुलेशंस नोट कर सकते हो, कौन सा केमिकल है, कितनी उसकी स्टैंड फ्यूजन की एंथैल्पी है, वेपराइजेशन की है, सबलिमेशन की। आगे है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 mole ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, यानी कुछ फॉर्म हो रहा है स्टेबिलिटी ले रहा है, इसको हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको डेल्टा एफ कहते हैं, इसको एफ मीन द फॉर्मेशन। सो इंडिकेट द 1 mole ऑफ जो कंपाउंड है इन दिस क्वेश्चन हैज़ बीन फॉर्म्ड इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। सो रेफरेंस स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट एट 25 degree एंड 1 bar प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल रेफरेंस स्टेट ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस एंड दोज ऑफ डाई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर, इनका हमें
ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ये आपको नीचे दिखाया हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बन रहा है, इसकी ये एंथैल्पी है, ग्रेफाइड मीथेन ये एंथैल्पी है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है इज जस्ट ए स्पेशल केस वेयर वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एज इन द अबव थ्री इक्वेशन वन मोल ऑफ ईच वाटर मिथेन एंड इथेनॉल फॉर्म हो रहे हैं। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू द एंथैल्पी चेंज जहाँ पे फॉर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेंगे सो इट इज़ नॉट एन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सिंस द कैल्शियम कार्बोनेट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम वन टू अनदर। सो इट इज़ एंड नॉट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट, ये भी आपने याद करना है। आल्सो द रिएक्शन गिवन बिलो एंथैल्पी चेंज इज नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे बना है फॉर्म्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड एंड नॉट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट नहीं बना, एक कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना, ये भी नहीं है। हेयर द टू मॉलिक्यूल इंस्टीड ऑफ वन मोल ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, सो देयर फॉर बाई डिवाइडिंग ऑल कोफिशिएंट इन द बैलेंस इक्वेशन बाई टू, सो जो इसका एक्सप्रेशन आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस की टेबल में दी हुई है वहाँ देख सकते हो। बाय कन्वेंशन द जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन है ऑफ द एलिमेंट इज रेफर स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन एंड टेकन एज जीरो। सो सपोज यू आर ए केमिकल इंजीनियर एंड वांट टू नो हो मच हीट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कैल्शियम कार्बोनेट टू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑल द सब्सटेंस इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। सो हेयर वी मेक यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन फॉलोइंग द जर्नल इक्वेशन, हम इसको बना देते हैं ऐसे। सो यहाँ पे ए एंड बी जो रिप्रेजेंट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन द बैलेंस इक्वेशन, लेट अस अप्लाई द अबव इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। सो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे एंडोथर्मिक है एंड यू नो दैट द हीट यू हैव टू हीट टू गेट इट, तो इसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। आगे आता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ डेल्टा एफ, इसको कहते हैं थर्मोकेमिकल, जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हो उसको हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन दे देते हैं। तो अबव इक्वेशन जो है यहाँ दिखाती है कंबस्शन ऑफ लिक्विड इथेनॉल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दिखा रहा है, सो नेगेटिव साइन यहाँ पर हीट का निकल रही है एक्सोथर्मिक। इट वुड बी नेसेसरी टू रिमेंबर डैट द फॉलोइंग, जो कन्वेंशन यहाँ जरूरी है थर्मोकेमिकल के लिए, कोफिशिएंट इन बैलेंस थर्मोकेमिकल इक्वेशन जो है इसमें नंबर ऑफ मोल आते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल नहीं आते ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा जो एच है स्टैंडर्ड कंडीशन पर रेफर टू द नंबर ऑफ द मोल ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड बाय इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है ऐसे हम यूनिट में लेते हैं किलो जूल पर मोल। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसकी करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे आता है हैसला, हैसला क्या कहता है, ऑफ द कांस्टेंट हीट समेशन, हीट को सम करना है कितनी हीट निकली है, इसको हैसला से हम कर सकते हैं। सो क्या कहता है, इफ़ द रिएक्शन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप, काफ़ी स्टेप में चले, इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी इज सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन, सभी की हम जोड़ देते हैं। जैसे हमने ग्रेफाइड है, ग्रेफाइड से हाफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है, ऑल दो कार्बन मोनोऑक्साइड मेजर प्रोडक्ट है, सम कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस इसमें, सो वी कैनॉट मेजर द एंथैल्पी चेंज फॉर सच अबव इक्वेशन डायरेक्टली, हाउएवर इफ वी फाइंड सम अदर रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिलेटेड स्पीसीज इट विल बी ईजी टू कैलकुलेट। तो जैसे हमारे पास ग्रेफाइड है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसकी इतनी है, हाफ मोलिक्यूल से इतनी है, सो वी कैन कम्बाइन द अबव टू इक्वेशन सच ए वे डैट टू ऑबटेन द डिजायर रिएक्शन, तो टू गेट वन मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन द राइट वी रिवर्स द इक्वेशन, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी, इसको रिवर्स कर दिया ना, हाफ मोलिक्यूल ये आ जाएगी, एडिंग कर देंगे इक्वेशन नंबर वन एंड थ्री को तो ऐसे आ जाएगा। तो हम जो सब्सिक्वेंट पार्टिकल्स हैं इसको जोड़ के हम करते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द हैसला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की हमने निकालनी है तो डायरेक्टली हमारे पास आनी चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड भी, दिस इज़ कंफ्यूजिंग, तो इसलिए हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं अपनी मर्जी से रिएक्शन लिख के, तो
तो उसको हम ऐड और माइनस करते हैं। इन जनरल इफ़ द एंथैल्पी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन ए टू बी बन रही है डेल्टा एफ, यहाँ पे सभी स्टेप की हम देखते हैं 1, 2, 3 स्टेप जो बनते हैं तो सभी को हम ऐड कर देते हैं। ये ऐसे लिखते हैं हम इस फॉर्म में, एंथैल्पी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कम्बशन जो सी से लिखते हैं। सो कुकिंग गैस इन द सिलेंडर कंटेनर जहाँ पे ब्यूटेन होती है, जब इसकी कम्बशन होती है 1 मोल से तो 2658 किलो जूल हीट निकलती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। सो सिमिलरली कम्बशन ऑफ ग्लूकोज जो हमें इतना देता है, ओवरऑल इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं। सो आवर बॉडी जो है आल्सो जनरेट करती है एनर्जी फ्रॉम फूड बाय सम ओवरऑल प्रोसेसेस ऑफ कम्बशन, ऑल्दो द फाइनल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस आफ्टर ए सीरीज ऑफ कम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन। सो एंथैल्पी ऑफ कम्बशन में पूरा तरह जल के कितनी हीट देता है वो कम्बशन की है। आगे एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, ऑटोमाइजेशन क्या है, हाइड्रोजन से एटॉमिक फॉर्म में वो बन रहा है, इसको ऑटोमाइजेशन कहते हैं। सो इसमें हाइड्रोजन जो है फॉर्म हो रहा है बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, सो एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोमाइजेशन। डेल्टा ए के लेते हैं, मीथेन से कार्बन हाइड्रोजन बन रही है, जी भी ऑटोमाइजेशन है। सो द प्रोडक्ट ऑफ एयर ओनली एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन गैस, सो बी सी डैट इन दिस फेम। सो इन दिस केस द एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन इज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ऐसे आ जाता है। आगे है बॉन्ड एंथैल्पी के जो सिंबल हैं, ऐसे बॉन्ड डेल्टा एस से लिखेंगे, बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, मेन बॉन्ड एंथैल्पी। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है फॉलोइंग प्रोसेस है, जैसे हाइड्रोजन से टूट के हाइड्रोजन बन रही है तो ये निकली है, तो एंथैल्पी चेंज इन बॉन्ड इन दिस प्रोसेस इज़ द बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी है। बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी है दैट इज चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड जो है गैसेस फॉर्म में टूट के उसको एटम बनाता है, वो डिसोसिएशन एंथैल्पी है। पॉली एटॉमिक ही देखेंगे ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों टूट रही हैं, इसमें क्या करता है ऑल 4 CH जो बॉन्ड है आइडेंटिकल बॉन्ड लेंथ है, उनकी जो एनर्जी टू ब्रेक के लिए अलग अलग है। जैसे इसको तोड़ना CH3H करना 427 है, इसकी 439 है, 452, 447 है। सो ये आ जाती है इसके लिए मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन हम इसको कर लेंगे ऐड करके। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। सो मीन बॉन्ड एंथैल्पी दिखाई हुई है सभी की, कैसे बॉन्ड टूटते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ देख सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की एंथैल्पी भी होती है जब सॉल्यूशन कोई फॉर्म होता है। सो जब क्या होता है, इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंथैल्पी चेंज ऑन डिजॉल्विंग द सब्सटेंस ऑफ ए इनफाइनाइट अमाउंट व्हेन द इंटरैक्शन बिटवीन द आयन जो हैं आर नेगलिजिबल, व्हेन एंड आयनिक कंपाउंड जो हैं डिजॉल्व होते हैं इन ए सॉल्वेंट, द आयन लीव देयर ऑर्डर पोजिशन इन द क्रिस्टल एंड देयर आर द नो फ्री सोल्यूशन में वो मूव करते हैं, बाय सॉल्वेशन ऑफ द दीज आयन आल्सो अकर एट द सेम टाइम। सो यहाँ हम इसको डायग्रामेटिकली लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ हेवी डेल्टा एच, इसमें दिखाया है वाटर डिटरमिन बाय सेलेक्टिव वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी इसकी एंड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, लैटिस एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को हम जोड़ देते हैं, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हम निकाल देते हैं। सो देखें अगर हम मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड जो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है इज पॉजिटिव है एंड डिसोसिएशन प्रोसेस जो है इसकी एंडोथर्मिक है। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द साल्ट इन वाटर इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ने से, इफ द लैटिस एनर्जी इज वेरी हाई डिसोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड मे नॉट टेक प्लेस, बाय डू मैनी फ्लोराइड टेंड टू बी लेस सॉल्युबल देन द कॉरस्पॉन्डिंग। सो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन नहीं बनेगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी सोल्यूशन बनेगा। लैटिस एनर्जी क्या है ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन अकर व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट करता है अपनी गैसियस फॉर्म में, तो उसकी लैटिस एनर्जी है। सो जितनी एनर्जी इसको चाहिए होगी उतना ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटर्मिन द लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट, वी कैन
इंडायरेक्ट मेथड यहाँ देख सकते हैं, बोर्न हैवर साइकिल में इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। लैटेंस एंथैल्पी, सोडियम को राइट का दिया हुआ है, सोडियम से सोडियम गैस बन रही है, सब्लिमेशन हो रही है, तो मेटल डेल्टा एच ये बन रहा है सोडियम गैस से ये, सो ये पूरा इसका साइकिल दिया हुआ है। इंथैल्पी डायग्राम ऑफ द लैटेस इंथैल्पी ऑफ NaCl, तो इसके लिए आपको पेपर में आ जाता है इंथैल्पी अगर आपने निकालनी है लैटेस को कैसे निकालेंगे, बोर्न हाइवर साइकिल से, जो आपने याद कर लेना है। यहाँ से आगे आता है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक का हमें बताता है रिलेशन बिटवीन द हीट अब्जॉर्ब एंड वर्क डन, ठीक है, इट इज़ पुट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्ट हीट फ्लो, हो एवर द फ्लो ऑफ हीट इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टू लोअर, इनफैक्ट ऑल द नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस वट एवर केमिकल और फिजिकल वी टेंड टू प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन वन डायरेक्शन ओनली, जैसे गैस एक्सपेंड कर रही है विल अवेलेबल वॉल्यूम बर्निंग ऑफ कार्बन डाइऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड बट द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी, द गैस इन द कंटेनर विल नॉट स्पॉन्टेनियसली कंट्रैक्ट करेगी, सो कार्बन डाइऑक्साइड विल नॉट फॉर्म कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन, सो दीज मे मैनी ऑफ अदर स्पॉन्टेनियसली अकरिंग चेंजेस शो यूनिडायरेक्शनल चेंजेस, सो वी मे आस्क वट इज ड्राइविंग फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटली, वट इज डिटर्मिंग द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज, इन दिस सेशन वी विल इस्टेब्लिश सम क्राइटीरिया, सो जैसे हम फर्स्ट डायरेक्शन देखें अंडरस्टैंड बट वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सो वी मे थिंक डैट आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज वन डैट अकर इमीडिएटली वेन इन कंटैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट, जो जल्दी हो जाती है नेचुरली जैसे रिएक्टेंट मिले चलने लगती है। टेक केस ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दिस केस मे बी मिक्स एट रूम टेम्परेचर एंड लेफ्ट फॉर मैनी ईयर, सो विदाउट ऑब्जर्विंग एनी प्रेसिटेबल चेंज, ऑल दो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम इट इज़ एंड एक्सट्रीमली स्लो इट इज स्टिल कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मीन द हैविंग ए पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट असिस्टेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, बाहर से जरूरत नहीं है, अपने आप चलेगी चाहे स्लो चले जैसे मर्जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होती है और इसमें मे नॉट बी रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल, इसको हम कर सकते हैं बाहर से रिवर्स भी कर सकते हैं। बाय डिक्रीजिंग द इंथैल्पी ए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, सो इफ वी एग्जामिन द फिनोमिना लाइक द फ्लो ऑफ द वाटर डाउन द हिल और फॉल ऑफ स्टोन ऑन द ग्राउंड वी फाइंड दैट देर इज द नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द डायरेक्शन बाय चेंज, और नॉर्मली वी नीड द अटेम्प्ट एट द स्टेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द स्पॉन्टेनियस गिवन डायरेक्शन बिकॉज द डिक्रीज इन एनर्जी हैज़ टू बी टेकन, सो यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रही है वो भी हम देखते हैं। सो डिक्रीज इन द इंथैल्पी इन पोजेसिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मे बी शोन बाय द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो द पोस्टुलेट डैट द डिवाइडिंग ड्राइविंग फोर्स जो है इसके लिए टू डिक्रीज द एनर्जी जो रीजनेबल है ऑन द बेसिस, तो इंथैल्पी भी यहाँ मेन चीज़ है, तो देयर फोर ऑब्वियस बन जाता है वाइल डिक्रीज इन द इंथैल्पी मे कंट्रीब्यूट टू फैक्टर ए द स्पॉन्टेनिटी, तो जब हीट निकाल रहा है डेल्टा एच नेगेटिव आ रही है इसका मीनिंग है भाई इंथैल्पी छोड़ रहा है एनर्जी ज़्यादा चाहिए नहीं है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज नेगेटिव आती है पहले भी करा चुका हूँ। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी विन बी बट ड्राइव द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन गिवन डायरेक्शन लेट अस एग्जामिन इन द केस ऑफ डेल्टा इक्वल टू जीरो देयर इज नो चेंज इन द एंथैल्पी बट स्टिल रिएक्शन अकर होती है, सो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ द टू गैसेस इन टू ईच अदर इन द क्लोज कंटेनर विच इज यहाँ पे आइसोलेटेड किया हुआ है फ्रॉम द सराउंडिंग, सो से डैट गैस ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाई ब्लैक डोट एंड द वाइट डोट एंड सेपरेटेड बाई मूवेबल पार्टीशन, सो वेन द पार्टीशन इज विदड्रॉन द गैस बिगेन टू डिफ्यूज करनी शुरू कर जाती है, सो एग्जामिन द प्रोसेस बिफोर पार्टिवेशन इफ वी वर टू पिक द गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम लेफ्ट कंटेनर वी वुड शो डैट दीज विल मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड सिमिलरली अगर हम पिक करेंगे राइट से तो हमें पता चला जाएगा वो बी मॉलिक्यूल है, वट इफ़ वी टू पिक द मॉलिक्यूल फ्रॉम द कंटेनर बिन पार्टीशन मूव तो फिर हमें पता नहीं चलेगा, यानी अगर हमने पार्टीशन रखी है तो हमें पता है ये ए के मॉलिक्यूल है ये बी के, अगर हम पार्टीशन हटा के ही करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, सो बी
may now formulate that another postulate in isolated system there is a tendency of system to become a disorder or a quiotic or in randomness. तो हमेशा जो system है उसकी tendency होती है random में रहना. तो at this point we introduce another thermodynamic function that is the entropy that is else. So disorder manifestation है of the entropy. From the जो mental picture in the one thing that the entropy measure the degree of randomness. तो greater the disorder in the isolated system higher will the entropy. जितना उसमें disorder होगा. As far as the chemical reaction concentrator, this entropy change can be attributed to rearrangement of atom or ion. कैसे रीज होना चाहते हैं या नहीं होते, कितनी आसानी से, वो entropy पे डिपेंड करता है. तो if the structure of the product is a very similar disorder than that of reactant, there will be the resultant increase in entropy. So the change in the entropy accompanying the chemical reaction may be estimated qualitatively by consideration of the structure of the species taking part in reaction. So decrease in regularity in the structure would mean an increase in entropy. For the given substance, जो crystalline solid है उसका state of lowest entropy है, gases भी ज़्यादा है. यानी किस form में हम reaction करवा रहे हैं, solid में entropy कम होगी, randomness कम होगी, gas में ज़्यादा होगी. जी आपको मेरी उम्मीद से समझ आ गया होगा. So now let us try to quantify entropy. One way we calculate the degree of disorder or quiotic distribution of the energy among the molecule would be through statistical method which is beyond the scope of this treatment. Other way would be relate this process to the heat involved in the process which would take the entropy thermodynamic concept. So entropy mein other thermodynamic property jaise internal energy hai, enthalpy hai, wo bhi state function hai aur path ke independent hai. जब हीट ऐड की जाती है सिस्टम में तो यहाँ मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ती है. सो टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज क्वाइनिक मोशन ऑफ द पार्टिकल इन सिस्टम. सो यहाँ हम डेल्टास देखेंगे तो हीट चेंज अपॉन टी कर देंगे तो टोटल एंट्रोपी क्या आ जाएगी, सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या आ जाएगी. तो टोटल एंट्रोपी फॉर द सिस्टम सराउंडिंग ग्रेटर है, वेन द सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो एंट्रोपी मैक्सिमम होगी एंड चेंज इसमें जीरो होगी. सो we can say that the entropy for the spontaneous process increases till it reaches the maximum and equilibrium that the change entropy is zero, jab zero tak chale jati hai. Since the entropy is the state property, we can calculate the change in entropy of the reversible. So aise reversible system laga sakte hain. So we find that the both reversible and irreversible expansion of ideal gas under the isothermal delta u zero. But delta S that is the system and surrounding is not zero for irreversible. So delta U will not discriminate between reversible and irreversible. तो reversible and irreversible reaction के लिए हमें entropy के concept की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो zero नहीं हो सकती, delta जो U है वो zero हो जाती है. आगे आती है Gibbs spontaneity, जो मैं करवा चुका हूँ already एक tutorial में. Gibbs ने GHTS दिया था, इसका फाइनल स्टेट में देखना है डेल्टा जी डेल्टा एच टी डी एस आ जाएगा. तो इसमें पुट कर देंगे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच टी डी एस लेस देन जीरो. सो यहाँ पे डेल्टा एच जो है चेंज इन द रिएक्शन, टी डी एस जो एनर्जी इज़ नॉट अवेलेबल टू यूजफुल वर्क. सो डेल्टा जी इज़ द नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क. सो मेजर द फ्री एनर्जी, इसको फ्री एनर्जी कहते हैं, इसको गिव फ्री एनर्जी कहते हैं. डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी का क्रिटेरिया दे देती है, मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ. अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस आएगी, अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. सो गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम, प्रेडिक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनियटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ द यूजफुल वर्क से हम देख सकते हैं. जो रिवर्सिबल अंडर स्ट्रिक्ट थर्मोडाइनमिक सेंस इज ए स्पेशल वे ऑफ कैरिंग आउट ए प्रोसेस दैट द सिस्टम ऑल टाइम इज परफेक्ट इक्विलिब्रियम. रिवर्सिबल कहते हैं एक इक्विलिब्रियम होता है सराउंडिंग से. अगर हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, रिवर्सिबल इंडिकेट दैट द गिवन रिएक्शन कैन प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन स्पॉन्टेनियसली, यानी हर एक डायरेक्शन में जा सकती है, उसको हम कहते हैं. सो यहाँ रिएक्शन हो रही है तो गिब्स एनर्जी रिएक्शन की जीरो है. गिब्स रिएक्शन जो एनर्जी है ओवरऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड कंडीशन में जहाँ स्टैंडर्ड आ जाएगा तो आर टी लॉग के, तो माइनस, तो ये हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच टी डी एस आर टी लॉग के. तो स्ट्रॉन्गली एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच में भी लार्ज और पॉजिटिव. सो इन केस द वैल्यू ऑफ के विल बी मोर स्मॉलर.
then one and the reaction will be unlikely to form much product. In case of exothermic, delta जो large negative है, delta G जो ज़्यादा negative हो जाएगी, so K will be more large. So in B that expects strongly to the exothermic reaction, यानी K की value ज़्यादा आएगी exothermic में, endothermic में कम आएगी. तो ये आप यहाँ याद कर सकते हो. अलग अलग factors हैं, effect of temperature on spontaneity क्या पड़ता है, इसको नेगेटिव करता है पॉजिटिव करता है, लो है ज़्यादा है, ये पूरा आप याद कर सकते हो आपके लिए. सो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, इसको गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कहते हैं. तो इसने पूरा क्राइटेरिया हमें दिया था. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा थर्मोडायनेमिक्स का. एंड मैंने पूरा बेस्ट ट्राई किया है आपको सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देने के लिए. काफ़ी कमियाँ रही होंगी, आई होप यू विल इग्नोर डैट. एंड इसका हम कंसेप्चुअल मॉक टेस्ट करेंगे, साथ में न्यूमेरिकल करेंगे. थैंक यू वेरी मच. और जो इसमें मेन फार्मूलाज होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे. और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए. थैंक यू.